रहीम। और ये इतना बड़ा मुंह आ जाता है, साथ ही साथ पापा के मुंह पे लग चुका है गोलगप्पा, इस तरीके से चबाया जाता है। ये देखे मम्मा का मुंह। मैं सबक वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग यानी महावीर ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं फिर से मंगनी में, मंगनी का कार्ड आ गया था तो हम जाने वाले हैं मंगनी में। शादियां दी एंड हो गई हैं और अब मंगनी का ब्लॉग आ गया तो अब हम मंगनी में जाएंगे। जो होगा थोड़ा बहुत वहां पे मैं आपको दिखाती रहूंगी, मैं क्या कर रही हूँ मंगनी में जाके, क्या ड्रेस पहन रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। 2% का ब्लावा है तो अब मैं और भाई जाएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें अपने साथ साथ शेयर करती रहूंगी, आपको हर चीज़ दिखाऊंगी वहाँ पर। आ गई हूँ अपने रूम में, मामा जो है कपड़े प्रेस कर रही हैं। ये देखें मैं आज कुछ इस तरीके की ड्रेसिंग कर रही हूँ। मामा मेरा ड्रेस दिखाइएगा। कहना मम्मा खड़े होके नहीं कर सकती, मम्मा खड़े होके प्रेस नहीं कर पाती हैं, उनके पैरों में दर्द हो जाता है ज्यादा देर खड़े होने में, और प्रेस शादी के कपड़ों में मामा ही करती है, हम लोग नहीं करते बिल्कुल भी। इस तरीके का मेरा ड्रेस है, ये बैक है ड्रेस का और ये फ्रंट है। आज ये ड्रेस पहनूंगी, देखे मैं पहन के कैसी लगती हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैं कैसी लगूंगी। मैं जाने से पहले पहले अपना भूख का भी इलाज करना है, जो कि मंगवा लिया मैक्रोनी, अब बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के चले जाओ क्योंकि हम लोग सुबह का खाना नहीं खाते बिल्कुल भी, रात में ही खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं रात को खाना खाते हैं, तो बीच में हम लोग कुछ फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी, मैक्रोनी बनाएंगे वो खाएंगे फिर हम जाएंगे मंगनी में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मैं मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ, मंगनी में जा रहे हैं तो भूख वगैरह लगती है, तो पापा ने बोला क्यों ना गोलगप्पे ही लेकर आ जाएं। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी रेडी कर लिए और यहीं पे साथ ही साथ पापा जो है गोलगप्पे लेकर आ गए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पापा गोलगप्पे लेकर आ गए और अपने पापा इस तरीके से बनाते हैं चाट, गोलगप्पों की मीठी वाली चटनियाँ डालेंगे पापा। पापा आपको पता होता हम मैक्रोनी बनाने तो आप गोलगप्पे नहीं लेकर आते, कैंसिल हो जाता। अच्छा वह नहीं पता था, चले हम मैक्रोनी भी खाएंगे। और आज खाना भी अच्छा बन रहा है, मिर्च कीमा खाने में बन रहा है मिर्च कीमा। और यहीं पे सब जो है, अरिका ने देखे मीठी चटनी को रायते में मिक्स कर दिया है, कम खाती है ना मीठी, इस वजह से पापा की देखें कितनी प्यारी बन रही है। अब इसके ऊपर रायते वाली चटनी डालने पापा, इस तरीके से ये रायते वाली डल गई है, ये पापा की बन गई है मीठे गोलगप्पे की चाट। और मैंने आपको बताया था कि मैक्रोनी भी बनाई हुई है, मैक्रोनी भी मैंने बनाई हुई थी और पापा बोले चाट मसाले लेकर आओ, तो मैं अब चाट मसाले की बर्नी ले रही हूँ, डालने इस पे चाट मसाला। कहना मम्मा खा रही है। मम्मा बोले दिखाओ मैं खा रही हूँ, इस तरीके से कुछ मुंह खुलता है और चबाया भी नहीं जाता, इस तरीके से हाथ हटा के खाए ना, इन्हें शर्म आ रही है। पापा की तो अभी चाट ही नहीं बन रही है, पापा बहुत जतन करके बनाते हैं चाट। इस तरह बनता है ये और ये इसका लिक्विड है पानी सौंठ का, प्लस फिर यूं करा जाता है हल्का सा, फिर इसको ऐसे लिया जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इतना बड़ा मुंह आ जाता है, साथ ही साथ पापा के मुंह पे लग चुका है गोलगप्पा, इस तरीके से चबाया जाता है। ये देखे मम्मा का मुंह। मैं सबों का मम्मा पापा का मुंह कैप्चर कर रही हूँ, साथ ही साथ जो है मिर्च कीमे की अरिका जो है मिर्च राउंड कर रही है, इस तरीके से मिर्च चीरी जाती है फिर उसके अंदर कीमा भरा जाता है, फिर इसे इस तरीके से फोल्ड किया जाता है, जैसे ये कर रही है इस तरीके से फोल्ड किया जाता है, और साथ ही साथ हमारा धागा भी खत्म हो गया, इनका धागा खत्म हो गया और ये कीमे में डल जाएंगे। आज बन रहा है मिर्च कीमा हमारी यहाँ। अब चले मैं तैयार होने जाती हूँ। A few moments later. जैसा मैंने बोला था कि मैं तैयार हो गई अपना लुक दिखाऊंगी, मैं इस तरीके से तैयार हो गई हूँ। मंगनी है तो थोड़ा सिंपल ही तैयार हुई हूँ, ज्यादा मेकअप वगैरह नहीं करा है और इयररिंग पहन ली है, थोड़े छोटे से नाजुक से पहने मंगनी है, इस वजह से शादी होती है उसका लुक अलग होता है, मंगनी है उसका लुक अलग है। अब बंदा एक जैसा तो लुक रख नहीं सकता है, अलग अलग लुक रखना पड़ता है, थोड़ा लाइट मंगनी के हिसाब से थोड़ा लाइट मेकअप करना पड़ता है, शादी के हिसाब से थोड़ा सा डार्क, और वैसे भी मेरे ऊपर ज़्यादा डार्क मेकअप सूट नहीं करता, मैं लाइट मेकअप पे ही ठीक लगता है मुझे अपने आप को। और अब हम चलते हैं वहाँ पे, चल के मैं आपको जो होगा वो थोड़े बहुत छोटे से क्लिप दिखाऊंगी। मैं अभी यहाँ पर आ चुकी हूँ, यहाँ पर आके बैठ गए हैं और भाई और मैं आ गए हैं, भाई भी आ चुके हैं और मैं, अभी हम दोनों अकेले यहाँ पे बैठे हैं, अभी फैमिली से कोई भी नहीं आया, जैसे ही
फैमिली से सब मेंबर्स आते रहेंगे, दिखाती रहूंगी स्टेज पे दुल्हन की फोटो वगैरह खींची जा रही है, पिक्चर्स वगैरह हो रही हैं। दुल्हन माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है, दूर से अभी मैंने देखा है, करीब जाके देखा नहीं है। और सेटअप दिखाती हूँ आपको थोड़ा बहुत, यह सेटअप है, कुछ अच्छा लग रहा है सेटअप भी। और भाई मोबाइल में लगे हुए हैं, भाई बोल रहे अभी तो कोई आया ही नहीं है, मोबाइल ही देख लो। भाई क्या देख रहे हैं, भाई क्या देख रहे हैं, गेम खेल लो, और कुछ काम नहीं है, क्या करेंगे यहाँ पे। अभी कोई आया नहीं, इतनी जल्दी हमें लेकर आ गए, कोई आया नहीं है, बहुत जल्दी भाई लेकर आ गए। भाई ने बोला चलो, हमने बोला चलो चलते हैं, अभी फैमिली लोग आ रही है, जैसी आएंगी आप लोग को दिखाऊंगी। फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, एंट्री होने वाली है लड़कों की, अभी एंट्री नहीं हुई है, जैसे एंट्री हो जाएगी देखें फैमिली हमारी कब आती है। अभी फैमिली का ही नहीं पता हमें कब आ रही है, दीदी लोग हैं, मामी लोग हैं, पता नहीं कब आती है, बहुत देर कर दी है, 9 बज रहे हैं। रंदम नानू आ गई है, मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे। भाई और मैं अकेले बैठे थे तो हमने उन्हें अपनी टेबल पे बुला लिया, ये आ गई है। कैसी है नानू, कैसी है, कौन मैं, कैसी है, कैसी मैं तो पूछ रही हूँ, कैसी तबीयत, ठीक है। सलामुअलैकुम, आप ही कैसी हैं, बड़ी देर से आई, खाना खुल गया था, खुल गया, हाँ ना, हाँ अभी अभी खा पी के बैठे, बहुत देर से आई आप, बच्चे ट्यूशन से हो रही है, खाना खुल गया था, बड़ी देर से आई आप, हम देर में, आप भी बड़ी देर में आई हैं, कैसी हैं आप, ठीक ठाक, आपसे सिंबाद के बाद अब मुलाकात हुई है, और अब सब आके बैठ गए बच्चे वगैरह। अब शमामी भी आ गई हैं, ये रही अब शमामी, नोना एक बार हंस के दिखाएं, क्या कहते हैं, एक बार रदम प्लीज, सब्सक्राइबर्स बोल लेते सब सब्सक्राइबर्स दिखाएं, हां हां, अस्सलाम वालेकुम, इस तरीके से हंस रही है, बुलाया था हमने, हेलो वाला सलाम भाई की बेगम का नाम शर्मा है, मम्मा कह रही है नहीं सभी है, मामी है भाभी है, गाने बंद हो गए, जैसे जैसे गाने बंद होते हैं मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाती रहती हूँ। साथ ही दीदी बहुत देर क्यों कर रही है आप लोगों ने, हम लोग ये नीचे थे शॉप पे थे, और फिर क्या नाम है, बच्चे देर से एंड टाइम में, लोग ने बोला कि हम तैयार होंगे तो ये लोग तैयार हो, तो किसकी पिटाई लगी है, किसी की नहीं लगी, और बलाश को देखे कैसे फैल गए, बलाश रो रहे हैं आप, बलाश फेल जाते हैं बहुत, और हाँ सर्दी हो तो बहुत रही है, वैसे हाथ ठंडे हो रहे हैं, और मैं थोड़ा सा सादा सा तैयार होकर आई हूँ आज, मैंने सादा सा तैयार हुआ, बस हमारे लेंस लगा था, हाँ इसलिए लगाए आए थे, देखो बेस निकल गया, बेस नहीं लगाया, ये निकल रहा, बोलिए बेस नहीं लगाया, यहाँ अपनी बातें चल रही है, कौन से गुलगुले बनाने, शादी चल रही है ना इनकी तरह, इनका ब्लॉग चुप पर मैं लेती रहती हूँ, बोलते चुप, और मुझे ब्लॉग तो बनाना है पर मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, याद आ रही है मुझे सोनू की, याद आ रही है सोनू को, भाई बाइक पे कहीं लेके ही नहीं जाते, भाभी के साथ नहीं लेके जाते, मैंने कहा मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे, इसलिए फिर मैंने पूछा, अच्छा ही नहीं कह रहे हैं, क्या निकले आये, वाओ फ्रूट है, और डब्बे के अंदर भी एक डिब्बा है, डब्बा डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मिठाई होगी, डब्बे में आयत, मिठाई लाखों में एक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में आयत, आयत है लाखों में एक, क्या है हाथ, आई डोंट नो, मुझे क्या पता, कुछ नई मिठाई है, हम लोग है मिठाई वाले, पर हमें ये नहीं पता ये टेबल पे बड़ा बोर्ड में से दिए, बड़ा बोर्ड के डब्बे में से, इनका डब्बा दिखाए, आपके डिब्बे में से निकली है दिखाए, ये इनका डब्बा है बड़ा बोटी, ये बड़ा बोटी डब्बा है, इसके अंदर से निकली है, रोटी खुल गई है, और यहाँ पे सब खाना लेने के लिए जा रहे हैं, भाई भी जा रहे हैं, और यहाँ सब बैठे हुए हैं, जाने का दिल नहीं कर रहा, तो ये लोग बच्चियाँ हैं, तो बच्चियाँ बोल रही हैं मैं ही आती हूँ, आयत वगैरह खाना लेकर आ रही हैं, और मैं बस शायद अपना फोटो शूट कर रही हैं, और सबसे पहले जो है खीर आ चुकी है, कैसी है, मजे की है, ब्लॉग बन रहा है, मजे की खीर है, पता नहीं था ब्लॉग बन रहा है, मेरा
मेरा भाई, ये मेरा भाई बिरयानी लेकर आया, ये मेरी बहन मसाले वाली बिरयानी लाई, गर्मा गर्म मसालेदार बिरयानी, ये बिरयानी गर्मा गर्म मसालेदार, दीदी गर्मा गर्म मसालेदार, चीज तो बढ़िया है ना, चीज तो बढ़िया है, चीज बढ़िया है। बिरयानी खा के टेस्ट करके बताती हूँ बिरयानी कैसी है। बिरयानी बहुत मजे की है और कढ़ाई वगैरह भी मैंने खाई नहीं, मैं कढ़ाई भी खा के आपको बताऊँ, कढ़ाई है, बिरयानी है, खीर है, बहुत अच्छी है। खाने के टाइम मुँह आप मेरा नोट नहीं करिएगा कैसा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत बुरा आ रहा होगा। स्पून नहीं है आंटी, स्पून नहीं है, और अब खाना खा रही हूँ, बहुत मजे का। मेरे पास खा लें आप भी, खा के बताएं कैसी है। मरवा खा के बता रही है, वैसे स्पाइसी है, मेरे मतलब कि मैं स्पाइसी चीजें शौक से खाती हूँ तो मुझे स्पाइसी अच्छी लग रही है। ये लोग थोड़ा फीका खाती हो, है ना, तुम लोग स्पाइसी खाते हैं। चलो टीम सही रहेगी हमारी, स्पाइसी स्पाइसी खा के फ्री हो गए और ये तारीम आ गए। ये लड़की ढूंढ रहे हैं, इसके लिए कोई लड़कियां करो तो बताएं, इसके लिए अगर कोई लड़की हो तो आप लोग बताएं प्लीज। अभी अभी मंगनी से हम घर आए हैं, घर इतना गर्म हो रहा है, बाहर बहुत ठंड हो रही थी, हाथ तो ऐसा लग रहा है सर्दी, और यहीं पे मामू मामी लोग आए हुए हैं, उनके बच्चे हैं, ये छोटा मामू का छोटा बच्चा है यानी बड़ा बच्चा है, एक बेटी भी उनके वो भी है परिवश, तो अभी ये लोग सब आए हुए यहाँ पे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।